बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां एटीएम ठगी मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके बाद हिरासत में तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पूरे मामले में परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस द्वारा युवक पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और तो और हिरासत से छोड़ने के बदले 5 लाख के नजराने का भी आरोप लगा है। दरअसल पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के समीप एटीएम बदलकर ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा और बनमनखी पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस की माने तो आरोपी राजमिस्त्री के पास से कई बैंकों का एटीएम जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अफरोज की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पहले उसे बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया और फिर मेडिकल कॉलेज से उचित उपचार के लिए निजी अस्पताल लाया गया। इसी दरमियान इलाज के दौरान अफरोज की मौत हो गई। मृतक सरसी थाना क्षेत्र के डुमरिया का रहने वाला था। मृतक की पत्नी का आरोप है कि जब बनमनखी पुलिस से पति को छोड़ने का अनुरोध किया गया तो पुलिस ने 5 लाख रुपए मांगे। इतना ही नहीं, उसे हिरासत में पीटा भी गया। इसके अलावा चौकीदार सत्तन पर जहर की सुई देकर मारने का आरोप लगा है। इधर मृतक की सास हफीजा खातून ने बताया कि पुलिस ने मारपीट कर बेहोश कर दिया और 3 बजे सुबह बीमार होने की सूचना दी। मृतक के परिजन का कहना है कि दोस्त के कहने पर अफरोज घर से बाहर गया और उसी ने साजिश के तहत एटीएम देकर उसे फंसा दिया। इधर बनमनखी थाना ने मारपीट की घटना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने आरोपी को पकड़ा, उसके बाद उसे थाना लाया गया, तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाया गया। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और अस्पताल में हंगामा बड़ा पड़ा है। परिजनों का एक ही आवाज में कहना है कि पुलिस ने उसकी हत्या कर दी है। आप देख रहे हैं SGN न्यूज़, की बात आपके साथ। वहाँ पुलिस पकड़ा, बचाया पब्लिक, वहाँ वहाँ मारपीट कर रहा था, पुलिस बचाया, थाना ले गया। वहाँ से मेरा भाई जेल में थाना में बंद कर दिया। मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक था मेरा भाई। हम यहाँ से जाके हम अपना भाई से बात किए, भैया मेरा भाई अफरोज, मेरा भाई अफरोज तू ठीक है? मेरा भैया खड़ा हो गया, हमको बोला भैया हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ भैया। उसके बाद उस सुबह होते हम पुलिस को बोले हम हमारा भाई को छोड़ दीजिए या तो जेल भेजना है भेज दीजिए। तो बोला जितना पैसा लेगा जो करना है छोड़ दीजिए। उसके बाद बोला ना ये छूटने वाला ना, ये जेल जाएगा। हम बोले जेले भेज दीजिए, हम लोग आ गए घर, बोले जेल चला जाएगा। उसके बाद वहाँ से मेरा भाई को निकाल लिया और उधर कहाँ ले गया, क्या किया नहीं किया मेरा भाई को, वहाँ से बाद बेहोश करके मेरा भाई को यहाँ ले आया मेरा घर पे। बोला तुम्हारा भाई बिल्कुल बेहोश है, नहीं बचेगा। हाँ जब हम ठीक थे, थाना में भी ठीक था। थाना के बाद जब रात में हमारा भाई को थाना से निकाल के कहाँ लेके गया, उसके बाद मेरा भाई बेहोश हो गया। सत्तन बोले घर, उसके बाद वहाँ से सत्तन चौकीदार, वो बोला पुलिस, दो चौकीदार आया। सत्तन बोला इसको मार के फेंक देना चाहिए था, ये यहाँ किसी को नहीं टेरता है, ये यहाँ सबको गाली गलौज देता है। गांव में हमारा गांव में जाके पूछिएगा, मेरा भाई किसी को गाली नहीं देता है। मेरा भाई बहुत बढ़िया भाई था। किस आरोप में पकड़ा था उसको? वो जो है दोस्त के साथ में गया था, जो जेल में है उसका दोस्त, उसके साथ में गया था। मेरा भाई मिस्त्री काम करता, राजमिस्त्री है, और उसके साथ में वो ले गया दोस्त, और ATM के उस चक्कर में उसको ले गया, पैसा वैसा देंगे चलो हमारे साथ में। वो ATM सब इतना ATM मेरा भाई को दे दिया, मेरा भाई के पास इतना ATM था। आप लोगों को कैसे पता चला आपको? हमको पुलिस वाले फोन किया। अभी कहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई क्या? हाँ। यहाँ पे एडमिट कौन कराया था? पुलिस किया था, पुलिस एडमिट कराया था। अब पहले वहाँ पे आए थे हम लोग, पुलिस के साथ आया था, वो बोला इसको जहर वाला सिया दे देना, चौकीदार बोला था। हाँ बात फोन में भी करके बोला इसको जहर मार देना जान, इतना ATM इसके पास पकड़ा गया है, ये देशद्रोही आदमी है, इसको जान मार दो।
ऐसे बोला मेरा भाई का, मेरा भाई पास एटीएम इतना पकड़ा गया। हाँ मेरा भाई कल भी हूँ सुबह, कल हुआ करीब 12:00 सुबह हुआ, सुबह कल सुबह यहाँ आया 12:00 बजे। मौत अभी ये डॉक्टर बोला यहाँ ठीक है, डॉक्टर कल पूरे दिन बोला ठीक है, शाम तक बोला ठीक है, अभी तक भी बोल रहा ठीक है ठीक है, वो ठीक है बोल के यही रख रहा। हम बोले हमको मेरा भाई अगर कुछ है तो हमको निकाल दो, मेरा भाई को निकाल दो, हम कहीं ले जाएंगे। बोला नहीं तुम्हारा भाई ठीक है, तो ले जाने नहीं दे रहा, नहीं ले जाने दिया हमको। पैसे मांग रहा है? हाँ पैसे मांग रहा है, 35,000 रुपया घंटा है, 35,000 रुपया घंटा है। आपका क्या नाम हुआ? मुस्तकीम। पिताजी का? हाँ मालूम। आपका जो भाई है उसका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? तरसीगा। दिक्कत यहाँ से वहाँ ले गया सदर हॉस्पिटल, हमको फोन किया मास्क की आइए रोड पे खड़ा रहिए, बनमन की पकड़ा गए वहाँ छोड़ने के लिए, बोले कि ले लीजिए 5 लाख मांग रहा था, बोले कि 5 लाख दीजिएगा तो छोड़ेंगे नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। कौन बोल रहा था? मैं बोल रहा था वहाँ का आदमी, प्रशासन बोल रहा था। हाँ तकर बाद वहाँ बहुत अब जथी था, तबियत खराब, वहाँ से ले गया सदर हॉस्पिटल, बोला हमको की रोड पे खड़ा रहिए, उसको लेने ले जाएंगे सीरियस है। हम गए हमारे रोड पे खड़ा रहे, सत्तन चौकीदार सरसी को जो पुलिस है उसको बोला क्या आप क्यों मार के उधर फेंक दीजिए, जा ले जाइएगा तो जहर वाला सुई दिला दीजिएगा, ये बोला ये बात सत्तन चौकीदार बोला। तेकर बाद हम यहाँ आए, वहाँ आदमी 2-3 गो है सुना है, तब वहाँ से हम आ गए यहाँ, तो हम पुलिस वाले को जो सुइया देता था सदर हॉस्पिटल में जो सुइया देता था हम वो सुई रख लेते हैं, रख लेते थे, हमको हाथ से छीन कर को फेंक दिया कचरा वाला डिब्बा में, हमको लड़ाई करने लगा उन दो आदमी सब हम ही को ललियाने लगा, नहीं बोला सुई दिया, एक बार सिरिंज में पानी कसा उसमें दे दिया, तेकर बाद जो करिया सुई था उसको दे दिया, वो आधा रसगुल्ला मुहिम रह गया। कैसे लगता है? वही थी थरथराने लगा, यहाँ आया यहाँ बोला कि ठीक है इतना अपना पैसा लेगा, यहाँ पर दिया ना पुलिस ने मारपीट किया था सर, बकरा था वहाँ पर सर, बनबनकी में पक वो चोरी कुछ उठाता था तो इसी लेकर के सर उसको पकड़ लिया, जब पकड़ लिया सर तो उसको उठा करके बनबनकी थाना लेके गया, बनबनकी थाना जो लेके गया सर, बस बनबनकी थाना में मेरा बेटी गया, मेरा है बेटा गया, कहा कि सर छोड़ दीजिए, कहे कि 5 लाख दीजिए तब हम छोड़ेंगे, मेरा बेटी 50,000 रुपया दे रहा था मेरा बेटी को, हमको जमा को नहीं छोड़ा, जब रात में मार करके 3 बजे रात में मेरा जमा को बेहोश कर दिया, उस टाइम में वो बोला घर पर आकर के कि तुम्हारा पोती जो है ना हेसमेंट पूरा सीरियस हो गया, वही पुलिस थाना वाला बुलाने के लिए आया तो उन्हें एम्बुलेंस से लौट करके यहाँ आया, लौट करके जब आया तब मेरा बेटी को समदनिया को उठा करके यहाँ पूर्णिया आया, जब पूर्णिया आया ना तो तेकरे बाद सदर हॉस्पिटल से फिर पुलिस न उठवा करके एम्बुलेंस पर यहाँ दिलवाया सर। फिर भी कल हम कहें कि मेरा जो पर्सेंट का जवाब दीजिए, हम ये ठना नहीं करेंगे इलाज तो हम दूसरा ठना इलाज करेंगे। हाँ हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल के सर, बनबनकी थाना के सर, पुलिस कराया सर, पुलिस हाँ पुलिस कराया सर, हाँ चोट है सर, चलिए ना देखिए बुरा हाल है सर। अफरोज मोहम्मद अफरोज, उम्र 30 साल होता है सर, घर वहाँ अथी डुमरिया पड़ता है सर, सरसी डुमरिया सर, प्रशासन किसी अंदर जाने नहीं दिया। मेरा नाम है सर हफीजा खातून, इनके आरोप पे ये घटना हुई थी, क्या कहते हैं एटीएम का ये करने के लिए, जो एटीएम सेंटर पे लोग नहीं एटीएम को बदल लेता है, तो उसी में पब्लिक द्वारा पकड़ के दिया गया, एफआईआर लॉन्च की गई, एफआईआर लॉन्च करने इन लोगों के पास लगभग 40 एटीएम बरामद हुआ था, तो उसी संबंध में इनकी तबीयत ख़राब हुई अचानक, इनको अनुमंडलीय अस्पताल बनबनकी भेजा गया, वहाँ से डॉक्टर द्वारा रेफर कर दिया गया, रेफर करने के बाद इनको उसी रात में इनके परिवार वाले को सूचना देते हुए साथ में पुलिस की गाड़ी से इनको सदर अस्पताल लाया गया, सदर अस्पताल में 11:30 तक इलाज चला, उसके बाद इनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई, अचानक ख़राब होने के बाद ये लोग लेके प्राइवेट
अस्पताल की ओर भागे, ये प्राइवेट अस्पताल में आज इनका इलाज चल रहा था। उसी संबंध में आरोपी क्या बीमार थे? आरोपी बीमार नहीं थे, जैसा कि डॉक्टरों का घर वालों का कहना है कि ये स्मैक लिया करते थे। हाँ, तीन चार साल से ना वो तो पुलिस जगह तो हर जगह CCTV लगा हुआ है, आजकल ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। पुलिस के ऊपर आरोप लग रही है, नहीं नहीं तो हम हर थाने में हर जगह CCTV नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिन दो वक्त पकड़े गए थे, एक तो वो फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन इलाजरत थे, इसकी सूचना भी न्यायालय को दे दी गई थी कि हाँ भाई इलाज चल रहा है उनका। और आरोपी बनमन की बस स्टैंड के पास, परसों शाम में लगभग 3-4 बजे के लगभग, हाँ सोमवार को। जी जी हाँ, पुलिस के द्वारा है, पुलिस के द्वारा ही इन्फॉर्मेशन दी गई, सब कुछ पुलिस के द्वारा। ये हम हमारे साथ अपने भाई के साथ अपने गाड़ी से आए, 11 बजे जब सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था तो वो रसगुल्ला खाया, 2 गिलास दूध पिया है, मन अपने से चला भी है, फिर अचानक अब कैसे डिटोरिएट किया ये तो अब डॉक्टर या मेडिकल, अभी तो हम आए हैं तो इन्हीं लोग को देख रहे हैं। कल ही लोग एडमिट कराए थे तो हमने डॉक्टर से पूछा था तो बोले कि ड्रग एडिक्ट है, दवा जो है धीरे धीरे ही फायदा करेगा, अचानक उनको किसी तरह का ऐसा डोज नहीं दिया जा सकता है जिससे उनके हार्ट पे या किसी और चीज़ पे मन प्रभाव पड़े। मेरा नाम राजू सेन हुआ, SHO का पुलिस इंस्पेक्टर।